अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स, आज का जो टॉपिक है वो जर्नल और लेजर के हवाले से है कि हम जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरह जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और फिर जर्नल से एंट्रीज को किस तरह पोस्ट करेंगे इनटू लेजर अकाउंट। तो ये सेकंड लेक्चर है, यानी ये सेकंड क्वेश्चन है इसके बारे में। तो अब देखें, ये जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, यानी कहता है क्वेश्चन रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल। पहले ये जो ट्रांजेक्शन है जर्नल में रिकॉर्ड करें एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और फिर क्या करें लेजर अकाउंट में इसको पोस्ट करें, ट्रांसफ़र करें। तो अब ये इंतहाई आसान सा सवाल है। देखें, जनवरी फर्स्ट है, यानी ये महीने जनवरी का जो महीना है, तो जनवरी फर्स्ट पे स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 के साथ कारोबार शुरू किया गया। तो ये फर्स्ट एंट्री है। तो यहाँ पर हमने जर्नल में यानी रिकॉर्ड किया है, ये जर्नल है। तो हम ये रिकॉर्ड जर्नल में किस तरह करेंगे, देखें जर्नल है, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट, रिफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ये जर्नल का फॉर्मेट है, 5 कॉलम है। अब जनवरी 1 पे यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, तो कैश डेबिटेड, कैपिटल क्रेडिटेड, 50,000 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश के साथ कारोबार शुरू कर लिया। इसके बाद है जनवरी 5, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज 10,000, हमने मर्चेंडाइज को परचेज कर लिया कैश पे, तो हमारे पास यानी परचेजेस आ गए और कैश चला गया, तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000, ये हो गया। इसके बाद है जनवरी 8, पेड रेंट एक्सपेंस रुपीज 5,000, हमने रेंट एक्सपेंस अदा कर लिया, तो 8 पे रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 5,000, ये जो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है, हम एक अकाउंट को किस तरह डेबिट करेंगे, किस तरह क्रेडिट करेंगे, ये तो ऑलरेडी हमने यानी प्रीवियस जो चैप्टर था इसमें हमने यानी पढ़ा है। तो देखें, जनवरी 9, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज 5,000, हमने मर्चेंडाइज को यानी कैश पे परचेज कर लिया, तो 9 परचेज इज डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितना है 5,000। इसके बाद है जनवरी 11, पेड रेंट एक्सपेंस रुपीज 3,000, हमने यानी रेंट एक्सपेंस अदा कर ली, तो 11 रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 3,000 और ये भी 3,000। जनवरी 15, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज 4,000 का परचेज हमने पेड कर लिया है, तो जनवरी 15 परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट 4,000 और ये भी 4,000, यानी क्या है परचेज डेबिट है, कैश क्रेडिट है। इसके बाद है 20, पेड रेंट एक्सपेंस रुपीज 3,000, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 3,000, ये तो हो गया, ये जो जर्नल कंप्लीट हो गया। अब हम जर्नल से लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो लेजर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो पहले जर्नल में यानी जर्नल को चेक करते हैं कि हमारे पास कितने हेड्स ऑफ अकाउंट है। तो हमारे पास कितने हेड ऑफ अकाउंट है, एक है हमारे पास कैश, ये एक हेड ऑफ अकाउंट है, दूसरा है हमारे पास कैपिटल, ये सेकेंड हेड ऑफ अकाउंट है, तीसरा है हमारे पास ये परचेजेस, ये थर्ड हेड ऑफ अकाउंट है, और कैश तो ऑलरेडी हमने काउंट किया है, तो एक मरतबा हम किसी हेड को काउंट करते हैं तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे, और जो चौथा है नंबर फोर्थ वन है क्या है, ये रेंट एक्सपेंस, फिर कैश परचेजेस, ये तो ऑलरेडी हमने काउंट किया है, फिर रेंट एक्सपेंस परचेजेस कैश रेंट एक्सपेंस, क्या मतलब है हमारे पास यानी इस जर्नल में टोटल कितने यानी हेड है, हमारे पास इस जर्नल में टोटल जो हेड्स ऑफ अकाउंट है, हेड्स ऑफ अकाउंट ये कितने हैं, ये 4 है। तो अब इसका क्या मतलब है, यानी हम 4 लेजर अकाउंट बनाएंगे, 4 हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, कैश के लिए बनाएंगे, कैपिटल के लिए, परचेजेस के लिए और रेंट एक्सपेंस के लिए। और तो अब लेजर अकाउंट किस तरह बनाएंगे, आते हैं इसको बनाते हैं। देखें, तो जिस तरह तरतीब के साथ हम बनाएंगे,
पहला हमारे पास है कैश। तो पहले यानी हम कैश के लिए लेजर अकाउंट बनाएंगे। आप देखें ये कैश का क्या है, कैश का लेजर अकाउंट है, कैश का लेजर अकाउंट है। ये डेबिट साइड है और ये क्या है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये डेबिट कॉलम, डेबिट साइड पे 4 कॉलम है और क्रेडिट साइड पे क्या है, यानी 4 कॉलम है। डेट है, डिस्क्रिप्शन है, यानी डेट जो जर्नल में जो डेट है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। डिस्क्रिप्शन कैश के साथ जो दूसरा अकाउंट है जिसकी वजह से कैश में चेंजेस आए हैं वो डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करते हैं। रेफरेंस ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी रुपी इसमें अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। डेट, डेट रिकॉर्ड करते हैं। डिस्क्रिप्शन जो कैश के साथ दूसरा जो अकाउंट है, रेफरेंस और फिर क्या है रुपीस। ये जो लाइन है ये मिडल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है, ये हम बोल्ड करेंगे। क्यों बोल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो टेबल है, ये जो लेजर अकाउंट है, इसको दो हिस्सों में, दो साइड में तकसीम करता है। एक साइड है डेबिट साइड और क्या है दूसरा है क्रेडिट साइड। अब ये हो गया, अब इसको यानी जो लेजर अकाउंट है कैश का, कैश को यानी कैश के लिए हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो अब जनवरी फर्स्ट पे आप देखें, जनवरी फर्स्ट पे कैश डेबिट है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो कैश यानी कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड क्या है, ये डेबिट साइड है। तो अब हम जनवरी, जनवरी फर्स्ट या डेट रिकॉर्ड करते हैं, कैश डेबिट हुआ है, डेबिट साइड है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो क्या है यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 50,000, 50,000। ये यहाँ पे जो रेफरेंस हम रिकॉर्ड करते हैं, रेफरेंस इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब ये तो हो गया। पांच पे है परचेजेस की वजह से कैश क्रेडिट है, यानी जनवरी फाइव, जनवरी फाइव में कैश क्रेडिट है किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है। कितना है, 10,000। तो 10,000 कैश क्रेडिट है। इसके बाद है आठ, रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है, कितना है, 5,000। तो जनवरी आठ पे रेंट एक्सपेंस की वजह से यानी कैश क्रेडिट हुआ है, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कितना है, 5,000 है। ये भी हो गया। इसके बाद है नाइन, परचेजेस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है। तो नाइन, परचेजेस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश का क्रेडिट साइड ये है, कितना है, ये भी 5,000 है, 5,000। ये हो गया। इसके बाद है 11, रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है, रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है 3,000। तो 11 यानी रेंट एक्सपेंस की वजह से कितना है, यानी ये 3,000, ये क्या है, ये क्रेडिट हुआ है। अब पीर क्या है, 15, यानी 11 का बात क्या है, 15, परचेजेस की वजह से पीर कैश क्रेडिट हुआ है 4,000। 15 यानी परचेजेस की वजह से यानी कैश क्रेडिट हुआ है, कितना है, 4,000। ये भी हो गया। 20 यानी जनवरी 20, रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है 3,000। 20 जनवरी पे रेंट एक्सपेंस की वजह से, ये ईएक्सपी का क्या मतलब है, एक्सपेंस, कितना है, 3,000। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट यानी जो असूल है, जो लेजर अकाउंट यानी दो साइड जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने ये लेक्चर दी थी कि जो दो साइड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर बराबर ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। अब देखें ये जो दो साइड है, यानी डेबिट साइड कितना है, डेबिट साइड हमारे पास आता है 50,000, ये 50,000 है,
डेबिट साइड किया है 50,000। अब क्रेडिट साइड को जमा करते हैं 10,000 और 5,000, 15,000, 20,000, 23,000 और 4,000, 27,000 और 30,000, 3,000, ये टोटल आता है 30,000। टोटल डेबिट साइड है यानी 50,000, टोटल क्रेडिट साइड है 30,000, इसमें कितना फ़र्क है 20,000। इसमें जो फ़र्क है यानी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, कितना ज़्यादा है 20,000। तो अब हम ये 20,000 रुपये क्रेडिट पे लाएंगे। तो देखें तो जो महीने का जो लास्ट डेट होता है यानी जनवरी 31 पे, यानी जो अमाउंट यानी ज़्यादा है डेबिट साइड कितना है 20,000। तो हम लाएंगे बैलेंस कैरी डाउन, यानी हम दोनों साइड को बराबर करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन कितना है 20,000। अब ये 20,000 हमने यानी लाए डेबिट साइड से, अब ये जो दोनों साइड है ये आपस में बराबर हो गए, ये भी 50,000 यानी ये साइड भी 50,000 हो गया, ये लेजर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यानी जो हमने बैलेंस यानी डेबिट साइड से जो अमाउंट यानी हमने हम ले चुके थे 20,000, फिर इसको अपने साइड पे लाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ है जनवरी के बाद जो महीना आता है वो क्या है, वो फेब्रुवरी का है, तो नेक्स्ट मंथ पे जो फर्स्ट डेट होता है वो लाएंगे। तब लाएंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसको के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बी मीन्स ब्रॉट और डी मीन्स डाउन कितना है यानी ये 20,000। ये जो 20,000 रुपये है ये फिर हम अपने साइड पे वापस लाएंगे 20,000। अब क्या है ये कैश अकाउंट, ये क्या है ये कंप्लीट हो गया, कैश अकाउंट क्या है ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, यहाँ पे जो रेफरेंस है, जो रेफरेंस यानी हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जितने अकाउंट होते हैं तो हम इसको यानी रेफरेंस नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको यानी पेज नंबर देता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0001 इस तरह 001। अब यानी ये हम यानी इसको पेज नंबर देते हैं 001। अब ये जो हमारे पास जर्नल है यानी जर्नल है, वो जर्नल में जहाँ पर भी कैश है यानी जर्नल है, अब ये क्या है ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को हमने रेफरेंस नंबर दे दिया 001 यानी ये पेज नंबर है 001। अब जो यहाँ पर भी कैश है तो हम कैश के सामने रिकॉर्ड करते हैं 001, यहाँ पर क्या है 001 इस तरह, जो जहाँ पर भी कैश है 001 इस तरह 001 इस तरह, यहाँ पर है 001 और यहाँ पर है 001 और कैश के साथ यानी यहाँ 001। ये तो हो गया, अब ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम यानी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को हम फर्ज करते हैं कि हम रेफरेंस नंबर देते हैं यानी पेज नंबर देते हैं 002 यानी 002। अब देखें यहाँ पे जर्नल में हमारे पास जहाँ पर भी कैपिटल है तो कैपिटल को हम यानी जो रेफरेंस नंबर देते हैं तो क्या है यानी 002। अब यहाँ यानी कैपिटल रिलेटेड दूसरे ट्रांजैक्शन एंट्रीज नहीं है तो क्या है सिर्फ ये एक एंट्री है। अब ये तो हो गया, अब ये जो जो कैश अकाउंट है यहाँ पर जो कैपिटल है तो कैपिटल का रेफरेंस नंबर यानी कैपिटल का जो रेफरेंस नंबर है क्या है 002। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे यानी हाँ यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं 002 इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। बाकी जो परचेजी है रेंट एक्सपेंस के, इसके लिए भी तरतीब यानी तरतीब के साथ ये भी करते हैं। अब देखें ये हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, अब ये जो जर्नल है देखें कैश की वजह से जनवरी 1 पे कैपिटल क्रेडिट है, ये कैपिटल अकाउंट है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट डिस्क्रिप्शन रेफरेंस रुपीस, डेट डिस्क्रिप्शन रेफरेंस रुपीस।
अब ये कैपिटल यानी क्रेडिट है 1 जनवरी पे किसकी वजह से, केश की वजह से। तो यहां पर रिकॉर्ड करते हैं यानी जनवरी फर्स्ट ये क्रेडिट साइड है कैपिटल का, कैपिटल क्रेडिट है किसकी वजह से, केश की वजह से। कितना है यानी जो अमाउंट है वो 50,000 है, कितना है 50,000। अब 50,000 है, अब जर्नल में कैपिटल के साथ जो रिलेटेड जो दूसरे एंट्री है वो नहीं है, यानी सिर्फ ये एक एंट्री है जर्नल में कैपिटल रिलेटेड, बाकी जो एंट्री है वो यानी दूसरे अकाउंट के साथ है। तो मतलब यह है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम ये एक एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कितना है, ये 50,000 है, ये टोटल कितना बन आया यानी ये 50,000। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि जर्नल लेजर के जो दो साइड होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, अगर बराबर ना हो तो क्या करेंगे, हम बराबर करते हैं। अब हम बराबर करते हैं, देखें जो जनवरी जो लास्ट डेट है यानी जनवरी 31st, ये बैलेंस हम लाएंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड पे कितना यानी 50,000, डेबिट साइड पे बिल्कुल यानी डिजिट है नहीं। तो हम बराबर करते हैं, तो बराबर करने के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बैलेंस कैरी डाउन, सी मींस कैरी, डी मींस डाउन, कितना है ये 50,000 है, कितना है 50,000, ये हो गया। अब ये टोटल भी करते हैं, टोटल हो गया ये 50,000, ये भी आ गया। अब ये जो बैलेंस है पेर अपने साइड यानी जहाँ से हमने ये बैलेंस लिया था अपने साइड पे लाएंगे, तो इसके बाद यानी जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ यानी फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी 1 पे ये बैलेंस फिर हम वापस लाएंगे। तो इसके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी मींस ब्रॉट और डी मींस डाउन, कितना है ये 50,000 और ये भी 50,000, ये तो हो गया। अब ये जो रेफरेंस नंबर है ये दो, देखें यानी कैपिटल अकाउंट को हमने पेज नंबर दिया है 2। अब यहाँ पे यानी जो जर्नल में कैपिटल के सामने हमने 2 रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है जनवरी 1 यानी कैश को जो रेफरेंस नंबर हमने दिया है वो क्या है, वो 001। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं कैश का जो रेफरेंस नंबर है 001। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस कैश की डिटेल देखते हैं तो इसके लेजर अकाउंट को क्या करेंगे यानी जाएंगे और इसके मुतालिक यानी डिटेल चेक करते हैं। तो ये लेजर अकाउंट का जो पेज नंबर है क्या है, वो 1 है। तो इसका ये मतलब है यानी कैश का जो रेफरेंस नंबर है या पेज नंबर है वो क्या है, वो 001 है। अब ये जो कैपिटल का जो लेजर अकाउंट है ये भी क्या है, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो थर्ड लेजर अकाउंट है, थर्ड लेजर क्या है हमारे पास, जो परचेजिस के लिए हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट हम बनाएंगे परचेजिस के लिए। तो परचेजिस अकाउंट है, हम फर्ज करते हैं कि इसको रेफरेंस नंबर हम देते हैं 003, ये पेज नंबर हमने दे दिया। अब यहाँ पे जहाँ पर भी परचेजिस हो तो इसको हम यानी रेफरेंस नंबर देंगे 003, यानी परचेजिस यहाँ पे परचेजिस है तो हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे 003, यहाँ पे परचेजिस है 003, ये पेज नंबर है। यानी अगर हम इसकी डिटेल चेक करते हैं इसका यानी हम लेजर अकाउंट चेक करते हैं तो कहाँ पर है, ये पेज नंबर 3 पे है। यानी जो ये परचेजिस के मुताबिक हम डिटेल चेक करते हैं तो लेजर अकाउंट में कहाँ पर है, पेज नंबर 3 पे इसका डिटेल मौजूद है, इसका ये मतलब है। तो परचेजिस है तो 003, ये हो गया। फिर आज अब इसको हल करते हैं कि परचेजिस 1 जनवरी पे परचेजिस के जो रिलेटेड जो एंट्रीज है ये नहीं है, कैश कैपिटल है। 5 जनवरी पे परचेजिस डेबिट है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। अब यहाँ पर है जनवरी 5,
ये परचेजेस अकाउंट का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो परचेजेस डेबिट है। किसकी वजह से डेबिट है? कैश की वजह से, जो दूसरा अकाउंट है, तो कैश की वजह से डेबिट है। यानी कितना अमाउंट है? 10,000। तो 10,000 परचेजेस डेबिट है कैश की वजह से, ये हो गया। इसके बाद है 8 पे, नहीं है 9 पे, परचेजेस डेबिट है कैश की वजह से 5,000। 9 तारीख पे यानी 9 जनवरी पे कैश की वजह से परचेजेस डेबिट है, कितना है अमाउंट? 5,000, ये हो गया। इसके बाद है 11 पे, नहीं है 15 पे, परचेजेस डेबिट है कैश की वजह से, कितना है अमाउंट? यानी 4,000। 15 पे कैश की वजह से परचेजेस डेबिट है, अमाउंट कितना है? यानी 4,000। क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट साइड खाली है। अब देखें ये जो कैश है, कैश यानी ये कैश, कैश को जो हमने रेफरेंस नंबर दिया था, यानी कैश को जो हमने रेफरेंस नंबर या पेज नंबर दिया था वो क्या है? वो 001 है। तो यहाँ पर कैश के सामने यानी रिकॉर्ड करते हैं 001 001 001, और ये भी 001, ये हो गया। यानी ये रेफरेंस नंबर है। अब इसको टोटल करते हैं, ये हमने टोटल कर लिया, क्रेडिट पे इंट्रीज नहीं है, तो 10,000 और 5,000, 15,000 और 4,000, कितना टोटल बनता है? यानी 19,000, 19,000 टोटल बनता है टोटल अमाउंट। अब हम यानी डेबिट साइड ज़्यादा है 19,000 क्रेडिट साइड से, फिर हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो जनवरी थर्टी फर्स्ट पे, 31 जनवरी पे हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, ताकि क्या करें? दोनों साइड को आपस में बराबर करें। 19,000, तो ये क्या है? ये बराबर हो गया, यानी ये भी 19,000, ये आ गया। अब चूंकि जो लेजर का जो रूल है क्या है, यानी जो बैलेंस हम ले चुके थे यानी जनवरी फर्स्ट पे, फिर क्या करेंगे? इसको वापस अपने साइड पे लाएंगे, लेकिन जो महीना है, जो नेक्स्ट मंथ है यानी, और नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डेट है, तो नेक्स्ट मंथ क्या है? फेब्रवरी है, और फर्स्ट जो फर्स्ट फेब्रवरी, ये बैलेंस वापस लाएंगे। तो क्या करेंगे? यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस जब वापस हम लाएंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 19,000, ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी परचेजेस के लिए जो लेजर अकाउंट है वो भी हमने बना लिया। अब हम फर्ज करते हैं कि इसके बाद जो थर्ड जो लेजर अकाउंट है वो कौन सा है? वो रेंट एक्सपेंस है। इसको 003 यानी पेज नंबर है या रेफरेंस नंबर है, इसको हम देते हैं अब 004 004। अब जर्नल में जहाँ पर भी रेंट एक्सपेंस हो, इसके सामने यानी इसके सामने हम रिकॉर्ड करते हैं 004 004। अब देखें जहाँ पर भी जो रेंट एक्सपेंस है, ये कैश है, कैपिटल है, परचेजेस है, कैश है, रेंट एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस के सामने हम रिकॉर्ड करते हैं 004। यानी क्या मतलब है? कि रेंट एक्सपेंस का जो डिटेल है लेजर में वो पेज नंबर 4 पे है। जब हम इसके बारे में डिटेल रिकॉर्ड चेक करते हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे? यानी पेज नंबर 4 में जाएंगे, पोस्ट रेफरेंस। यानी ये जो रेंट एक्सपेंस हमने पोस्ट किया है यानी हमने ट्रांसफ़र किया है, इसका रेफरेंस नंबर किया है, इसका पेज नंबर किया है, इसका ये मतलब है। तो 004 ये, और यहाँ पर है 004, ये तो हो गया, ये तो रेफरेंस नंबर है। इसके बाद है जो लेजर अकाउंट है, हम इसको कंप्लीट करते हैं किस तरह। अब देखें रेंट एक्सपेंस, यहाँ फर्स्ट तारीख पे रेंट एक्सपेंस नहीं है, 5 पे नहीं है, 8 तारीख पे रेंट एक्सपेंस डेबिट है। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो जनवरी 8 पे यानी जनवरी 8 पे रेंट एक्सपेंस
डेबिट है, टोरेंट एक्सपेंस का जो डेबिट साइड है ये है, टोरेंट एक्सपेंस डेबिट है, किसकी वजह से डेबिट है, यानी कैश की वजह से डेबिट है जनवरी यार, कितना है 5000, ये कितना है ये 5000 डेबिट है, आसान है 5000 रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद 9 पे नहीं है, 11 पे रेंट एक्सपेंस डेबिट है कैश की वजह से 3000, यानी 11 पे रेंट एक्सपेंस फिर डेबिट है, कितना डेबिट है 3000, किसकी वजह से कैश की वजह से, ये हो गया। इसके बाद है यानी 15 पे नहीं है और 20 पे फिर क्या है रेंट एक्सपेंस डेबिट है कैश की वजह से फिर 3000, 20 पे कैश की वजह से फिर डेबिट है यानी रेंट एक्सपेंस कितना है 3000, यानी रेंट एक्सपेंस क्रेडिट नहीं है सिर्फ डेबिट है 3 मरतबा। तो अब इसको टोटल करते हैं, जब हम टोटल करते हैं तो कितना यानी जो टोटल अमाउंट है वो कितना आता है 5000 और 3000, 8000 और 3000, यानी 11000 टोटल, यानी जो अमाउंट है वो 11000 है। अब फिर हम यानी यहाँ पर नहीं है, मतलब यह है कि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से कितना यानी 11000, फिर हम क्या करेंगे दोनों साइड को बराबर करते हैं। तो जनवरी 31 पे 31 जनवरी पे हम बैलेंस यानी क्रेडिट साइड पे लाएंगे कितना यानी टोटल बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये क्या है ये 11000 बैलेंस हम लाएंगे क्रेडिट साइड पर। अब ये 11000 ये भी हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखें ये जो यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर यानी कैश को हमने जो पेज नंबर दिया है वो क्या है वो 001 है, क्या है 001, तो यानी 001 इस तरह 001 और 001 ये हो गया। ये जो बैलेंस है फिर हम वापस लाएंगे अपने साइड पर, यानी जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ हमारे पास क्या है यानी ये फरवरी है और 1 फरवरी, फिर क्या करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी जो बैलेंस है हम वापस यानी अपने साइड पे लाते हैं, कितना है 11000, यानी जो टोटल जो बैलेंस यानी हमने लाया था क्रेडिट साइड पे ये फिर हमने क्या कर लिया अपने साइड पे वापस लाया, तो इसको कहता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे पास यानी ये जर्नल है, जर्नल पहले हमने जर्नल को कंप्लीट कर लिया, ये जर्नल हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमारे पास जो टोटल जो हेड ऑफ अकाउंट है वो 4 थे, कैश कैपिटल परचेज और रेंट एक्सपेंस, फिर कैश के लिए जो हमने यानी जो लेजर अकाउंट हमने बना लिया कैश के लिए ये है बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस यानी ये कैरी डाउन और ये ब्रॉट डाउन। इसके बाद जो परचेजिस के लिए हमने बनाया ये परचेजिस के लिए है टोटल 19000, टोटल बैलेंस कैरी डाउन 19000, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन 19000, फिर रेंट एक्सपेंस के लिए 11000, बैलेंस कैरी डाउन 11000 और बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है ये भी 11000। अब यहाँ पर जो पोस्ट रेफरेंस यानी इसकी जब हम बात करते हैं 001, 002, 003 और 004, इसका ये मतलब है यानी ये जो कैश है, फॉर एग्जांपल कैश है तो हमने इसको रेफरेंस नंबर दिया है 001, ये पेज नंबर है और ये क्या है पोस्ट रेफरेंस। इस 001 का ये मतलब है कि हमने यानी कैश के लिए हमने जो लेजर अकाउंट बनाया है इसका जो पेज नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो क्या है वो 001 है। अब इस कैश के बारे में जो हम डिटेल मालूमात हासिल करते हैं तो कहाँ पे जाएंगे 001 पेज पे जाते हैं और 001 पेज क्या है ये यहाँ पर है, तो कैश के मुतालिक ये क्या है ये डिटेल है, ये है और क्या है ये डिटेल है, यानी ये क्या है ये 001 पेज है और ये 1 पेज पे हमने यानी जो कैश के लिए जो लेजर अकाउंट है ये हमने बनाया है। इस तरह कैपिटल के लिए 2 है तो यानी हम क्या करेंगे पेज नंबर 2
यानी पेज नंबर टू पे जाएंगे और कैपिटल के मुताबिक हम डिटेल हासिल करेंगे। तो इसका ये मतलब है। थैंक यू।